अच्छा जी, सी एस एस के कलर्स को अब हम देख लेते हैं कि क्या चक्कर है कलर्स का। इस चैप्टर में जो बातें डिस्कस हो रही हैं वो क्या हो रही है कि जी हाउ टू स्पेसिफाई कलर, कि सी एस एस में कलर को लगाना कैसे होता है, कलर को लगाने का तरीका क्या होता है सी एस एस में, कलर टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रास्ट, कलर की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। और कंट्रास्ट क्या चीज़ होती है, कंट्रास्ट इज़ वन ऑफ दोज टर्मिनोलॉजीज, कलर की जो टर्मिनोलॉजी है ना, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। अच्छा, और बैकग्राउंड कलर क्या चीज़ होती है वो देखेंगे ज़रा हम। कहते हैं कि जी कलर कैन रियली ब्रिंग योर पेज टू लाइफ, कि कलर से आप, अगर आपके पेज में बिल्कुल भी कोई कलर ना हो तो आपका पेज ज़रा डेड दिखता है, और वो कलर के आते ही अलाइव लगने लग जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले डिस्कस हो रहा है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का मतलब है कि जो टेक्स्ट का कलर है ना उसको फोरग्राउंड कलर कह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला, इस पर तो इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है इसका, और जो फोरग्राउंड कलर है वो कुछ किसी में पिंक है और कुछ में थोड़ा ग्रे टाइप का, ठीक है। तो ये दो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि द कलर प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेक्स्ट इनसाइड एनी एलिमेंट। यू कैन स्पेसिफाई एनी कलर इन सी एस एस इन वन ऑफ थ्री वेज। अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे उन्होंने बात क्या की है, कि कलर प्रॉपर्टी जो है ना आपको कलर लगाना अलाउ कर देती है, टेक्स्ट का कलर लगाना, ठीक है, इनसाइड एन एलिमेंट या एनी एलिमेंट कह लें। लेकिन एनी एलिमेंट शायद इन्होंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि हर एलिमेंट में अंदर टेक्स्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर इमेज है, उसमें टेक्स्ट होता ही नहीं है, तो उसके अंदर अगर मैं ये कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ना तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़ीरो इम्पैक्ट होगा उसका। अच्छा, ये तीन तरीके इन्होंने नीचे बताए हैं जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कलर अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। एक है RGB वैल्यू। RGB वैल्यू किस तरह से लग रही होती है, थोड़ी ऐसी दिखती है लगने में। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप आएँ तो एक पैराग्राफ पे इन्होंने कहा कि जी कलर और RGB, और RGB में रेड, ब्लू और रेड, ग्रीन और ब्लू के तीनों की वैल्यू दे दी, तो क्या हो गया जी, ये वो कलर उसको समझ आ गया कि कौन सा लगाना है। दीज एक्सप्रेस कलर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर यूज टू मेक इट अप, फॉर एग्जाम्पल दिस। अच्छा, ये RGB का क्या चक्कर है सब लोगों को पता है, व्हाट व्हाट इज RGB? तो अगर मुझे येलो कलर लगाना है तो क्या मैं RGB में लगा सकता हूँ? यस। अच्छा, RGB का जो चक्कर है ना वो ये चक्कर है कि देखो नेचर में जो कलर्स होते हैं ना वो 7 कलर्स होते हैं एक्चुअली ना, जो नेचर के जो कलर्स हैं जो सूरज से हमें मिलते हैं जो कलर्स, वो एक्चुअली 7 कलर्स हैं, ठीक है। और वो 7 के 7 कलर्स जो हैं वो रेनबो में हमें दिखते हैं एक्चुअली, या प्रिज्म के थ्रू भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक सूरज की रोशनी वैसे तो सफ़ेद दिखती है हमें, रेनबो लाइट इन प्रिज्म, ठीक है, तो इस तरह का एक एक प्रिज्म होता है, क्यूब तो नहीं बोल सकते उसको, शीशे का बना हुआ होता है ये, अक्सर आपको लैब वगैरह में दिखता है, 9 मैट्रिक के लैब में आई थिंक ये होता भी है, इसका एक प्रैक्टिकल होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जी लाइट को एक सर्टेन वे में इसमें हम जब एंटर करते हैं तो दूसरी साइड से हमारे पास क्या हो जाते हैं, 7 कलर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसमें ये लाइट को इस तरह से बेंट करता है कि जो 7 अलग अलग कलर्स होते हैं लाइट में वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास नेचर में ना ये 7 कलर्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, ये हर जगह आपको, अच्छा ये इसी सीक्वेंस में मौजूद हैं, ये इस तरह से दिखता है आपको रियल लाइफ में ना, ये इस तरह से दिख रहा होता है। तो समटाइम प्रिज्म की बात नहीं है, जस्ट समटाइम क्या होता है कि शीशे का कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई बटन शटन होता है, उस पर लाइट लग के जो पड़ती है तो उस तरह का भी दिख रहा होता है हमें, ठीक है। प्रिज्म ज़रा ये है कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको दिखा रहा होता है, तो कुछ इस तरह से आपको ना यहाँ पे रियल लाइफ में प्रिज्म ये दिखा रहा होता है लाइट, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है कि आप एक तरफ से धूप आ रही है ना, कहीं झिरी बनी हुई है उसमें से धूप आ रही है, तो वहाँ रखा आपने तो इस तरह से ये प्रिज्म
साथ की साथ लाइट को कलर को ना अलग कर देता है। तो हमने क्या सीखा कि नेचर में हमारे पास क्या है, 7 कलर्स हैं, और उन्हीं 7 कलर्स से मिलके तमाम के तमाम कलर्स बनते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें से जो मोस्ट बेसिक कलर है ना वो है रेड ब्लू ग्रीन। यानी मतलब जब हमने कलर को डिजिटलाइज किया तो हमने क्या कर लिया, इसमें से 3 वो कलर ले लिए जो मोस्ट बेसिक हैं। अच्छा, तो इन 3 कलर्स से हम कितने कलर डेवलप कर सकते हैं? 16 मिलियन कलर हम इससे डेवलप कर सकते हैं इन 3 कलर्स से। ठीक है, तो हमारे पास जो ये RGB की जो वैल्यू है ना, इस RGB की वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 16 मिलियन कलर डेवलप कर सकते हैं। तो अक्सर आपने वो टीवी वगैरह में भी देखा होगा 16 मिलियन कलर, वो छोटे मोबाइल फ़ोन आते थे ना पहले ज़माने में, जो जो कीपैड वाले छोटे फ़ोन होते थे, तो उसमें कलर स्क्रीन जब आई थी नई नई तो वो लिखते थे कि जी हमारी स्क्रीन पे 16 मिलियन कलर, इस तरह करके ना। सैमसंग के फ़ोन जब आते थे नए नए, तो वो 16 मिलियन कलर का मतलब असल में यही होता है कि RGB पीछे चल रहा है, RGB कलर प्रोफाइल चल रही है पीछे। अच्छा, इसी तरह से हैक्स कोड है। हैक्स कोड से पहले लेकिन आपको मैं यार एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये मैंने बनाया था बचपन में। अच्छा, ये एक छोटा सा टूल है एक्चुअली, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए ओपन किया है कि आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरह से ना कलर का अमाउंट इसमें, रेड अगर मैं मिसाल के तौर पे ऐड करूं 100, इसकी जो रेंज है वो 0 से 255 तक है। तो मैं इसको, एक को 100 ऐड करता हूँ, एक को ऐड करता हूँ 200, और ब्लू को कर देता हूँ मैं 50। तो अब ये कौन सा कलर बनना चाहिए, मिक्स करेंगे तो पता लग जाएगा। ये दरमियान में जो कलर है ये बना है, सही है, दरमियान में जो कलर है ये बना है। अच्छा, अब लिहाजा अगर मैं क्या करूँ, रेड को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ 100 से, मैं इसको 150 कर दूँ, और देन मिक्स कलर करूँ तो थोड़ा सा चेंज हो, ये दरमियान वाला जो कलर है ना ये इसका आउटपुट है। ठीक है, और ये अलग से दिख रहा है कि रेड जब मैं बोलता हूँ 150 तो रेड 150 ये है 150 रेड। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि ब्लू 50% मतलब ब्लू 50, तो ब्लू 50 का मतलब है ये। अगर ब्लू को मैं बढ़ाऊँगा ना, ब्लू को 100 करूँगा, तो ब्लू थोड़ा सा और ब्लूइश की तरफ जाएगा, यानी, और कम करूँगा तो वो ब्लैक की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको ब्लू को और बढ़ाता जाऊँगा, मिसाल के तौर पर मैंने 150 कर दिया इसको, तो मिक्स करूँगा तो ये और ब्लू की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो साइडों में 3 अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, और इन 3 अलग अलग कलर के जो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मिसाल के तौर पे जस्ट अगर मैंने रेड और ग्रीन को अगर मिक्स किया, तो रेड और ग्रीन किधर है, इधर है, तो रेड और ग्रीन जस्ट मिलके येलो बना रहे हैं, और उसके अंदर फिर जब ब्लू भी मिलता है तो ब्लू मिलके ये बना देता है। ठीक है, इसी तरह रेड और ब्लू जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, मजेंटा ये कलर बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लू और ग्रीन जो है, जो भी अमाउंट इस वक्त सेट किया हुआ है मैंने, अगर मैं ब्लू और ग्रीन की यही अमाउंट सिर्फ सेट करूं और तीसरे कलर को बिल्कुल ही हटा दूं तो ये कलर बन जाएगा। ठीक है, तीसरे कलर को मैं बिल्कुल ही हटा दूं, अगर ब्लू और ग्रीन को छोड़ूं, रेड को मैं बिल्कुल ही हटा दूं, यानी कि ज़ीरो कर दूं इसको मैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कलर है ना मिक्स कलर ब्लू और ग्रीन के साथ जो बनता है ये वाला, तो यही पूरा कलर यही बन जाएगा। सही है, पूरा कलर ये वाला बन गया, और तीसरा जो था वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये काइंड ऑफ एक प्ले ग्राउंड है कि आपको कलर से थोड़ा सा खेलना है ना, अगर कि किस तरह से। अच्छा, तो कौन मुझे ये बताएगा आप में से, कि अगर मुझे पर्पल कलर बनाना है, सोच के बताओ कौन सा कलर कितना दूंगा तो पर्पल बनेगा, रेड और ब्लू मिक्स करेंगे, रेड और ब्लू, रेड कितना दे दूं, 255, 255 रेड और ब्लू मिक्स कर दूंगा, रेड और ग्रीन, ब्लू ब्लू रेड और ब्लू। अच्छा, रेड और ब्लू अगर 100 100% करूं तो ये बनेगा, पिंक बना, ये पर्पल नहीं बना, मिक्स कलर किया देखो वो बन गया पर्पल, कैसे बनेगा? नहीं, एक्चुअली ये प्रोजेक्टर में पर्पल दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली पिंक है। 128 रेड और 128 ब्लू। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, नहीं तो अमाउंट तो बराबर हो गई ना, सेम कलर, चलो करते हैं 128।
पर्पल नहीं बना, कुछ और बन गया, डार्क पिंक हो गया एक्चुअली। अच्छा तो अब ये तो बड़ा मसला हो गया, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया कि अभी हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि तीन कलर की तो तीन वैल्यू देने से पर्पल तो बनेगा, लेकिन हमें तो पता लगना चाहिए ना कि बनेगा कैसे। अब तो हमारे से बन ही नहीं रहा पर्पल, अब क्या करें। तो इसके लिए एक हमारे पास टूल है, एक और टूल है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कलर नेम। सही, जो उन्होंने आगे बताया वो अभी, लेकिन कलर नेम के भी अलावा, मिसाल के तौर पर मैंने कहीं पर पर्पल देखा, ठीक है, कहीं पे मैंने अच्छा सा पर्पल का कोई शेड देखा, अब मैं चाह रहा हूँ यार ये शेड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है। अब इसमें से ये सारे पर्पल के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कलर पिकर का एक एक्सटेंशन है, दैट इज़ कॉल्ड कलर ज़िला, ठीक है, कलर ज़िला इसका नाम है, ये कलर ज़िला नाम है इसका। अच्छा, इसको मैंने कहा कि भाई पिक कलर फ्रॉम पेज, ये बटन दबाया मैंने तो ऊपर आप देखें कि ये बार आ गया और मेरे कर्सर के साथ ऑटोमेटिकली क्या आ गया, एक ये बॉल सा बना हुआ आ गया। ये बॉल क्या करता है, ये जो प्लस है ना, इस प्लस को जूम इन करता है। अब मैं ये प्लस देखो जहाँ भी लेके जाऊँगा ना, ये जूम इन कर देगा इसको, सही है। तो ये ब्लैक कलर पे क्लिक करूँगा मैं तो ये पिक हो जाएगा। अच्छा, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे पर्पल चाहिए, ये वाला नहीं, मुझे पर्पल चाहिए ये वाला, सही है, या ये वाला, बल्कि ये मैंने इसको क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हुआ, कलर कॉपीड ऑन क्लिप बोर्ड यहाँ लिखा हुआ आया था वो लेकिन गायब हो गया फ़ौरन। वेल, अब मैं क्या करूँगा, वापस जाके इसकी वैल्यू को जब मैं चेक करूँगा ना कि वाकई ये सही वैल्यू हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, इसने मुझे इसमें कॉपी कर दिया, हेक्स कोड में ना, हेक्स कोड में कॉपी कर दिया। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे वो भी आ रहा था, दोनों आते हैं यहाँ पे बाय द वे। अच्छा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ रहा है 173.0.254, सही है, 173.0.254, ये वही वाला पर्पल बन गया बीच में, ठीक है, वही पर्पल बना है ना, हाँ वही बना है। अच्छा, अगर मुझे कोई दूसरा पर्पल चाहिए हो इसमें से, मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए हो अगर ये पर्पल, तो पॉइंट सैंपल 223.163, और तीसरा क्या था, 247। हाँ यार 247, ये वो वाला पर्पल बन गया। अच्छा, यहाँ पे वो उस तरह से फील नहीं हो रहा इतना ज़्यादा पर्पल ही है, क्योंकि वो साइड में असल में रेड और येलो वो सारे हैं ना, तो उसके बीच में आगे शायद वो उस तरह से फील नहीं हो रहा, लेकिन ये वही पर्पल बना है जो हमने वहाँ देखा था। तो मैं इस तरह से आगे क्या कर सकता हूँ, किसी भी कलर को पिक कर सकता हूँ। अच्छा, कलर को जब मैं पिक कर लूँगा तो मुझे इस टूल की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही खेलने के लिए मतलब है, क्या कहते हैं कि आप ना वैसे देख सकें करके कि क्या होता है। यहाँ पर लिंक किस चीज़ का लगाया हुआ, अच्छा, तो ये कलर पिकर हमने देख लिया। कहीं से भी कलर हमें चाहिए हो, किसी पेज से, किसी पीडीएफ फाइल से, किसी इमेज से, तो हम कलर पिकर का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये इमेज है एक्चुअली, जिससे मैंने अभी उठाया ना, दिस इज़ एन इमेज, या अगर कहीं पे वैसे ही कलर लगाया, जैसे गूगल के यहाँ पे, गूगल के पीछे जो ब्लैक कलर है ये, अब ये ब्लैक कलर मैंने अगर पिक करना है तो पिक कलर फ्रॉम पेज करके मैं क्या करूँगा, जब मैं इधर जाऊँगा ना, है ना, तो आप देखें ये कलर मुझे पिक करके दे रहा है, ये वाइट कलर भी पिक करके दे रहा है और ये ब्लैक, तो इसको मैंने ब्लैक को पिक कर लिया, है ना, तो ब्लैक को पिक किया तो मुझे कोई ये वाला कलर मुझे मिल गया, तो ये समझ आ गया। अच्छा, तो ये हमने देख लिया जी, आ जाते हैं वापस अब हमारे बुक में। तो आरजीबी वैल्यू जो है हमें समझ आ गई, आरजीबी वैल्यू थोड़ी सी आसान भी है समझने के अतबार से कि हमें तीनों कलर अलग अलग दिख जाते हैं, लेकिन तीनों कलर अलग दिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता हमें, है ना, क्योंकि दिख तो रहा है चलो ये कलर इतना है, ये कलर इतना है, लेकिन उसको अगर चेंज करना है हमें तो हमें आ ही नहीं रहा, तो वो तीनों कलर अलग अलग दिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जो हमें डेवलपर को। अच्छा, तो एक तो आरजीबी वैल्यू है, दूसरा है हेक्स कोड है, और तीसरा है कलर नेम। तो कलर नेम के अंदर ना कुछ
नाम ऐसे हैं जो इन्होंने फिक्स कर दिए, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले कलर हैं। अच्छा, पर्पल इज़ वन ऑफ दोज कलर्स। तो मैं अगर आके बोलूँगा अपने वी एस कोड पे, ठीक है, अपने वी एस कोड पे मैं आके अगर बोलता हूँ मैं अगर कलर बोलता हूँ रेड, या मैं कलर बोलता हूँ पर्पल, सही है। तो देखो आप, पी यू आर लिखा मैंने तो एक पेरू, पर्पल और पाउडर ब्लू, ये तीनों कलर आ गए, ठीक है। इसी तरह मैं अगर रेड लिखूँगा तो ये रेड आ गया, ठीक है। पिंक लिखूँगा तो पिंक आ गया, येलो लिखूँगा तो येलो आ गया, येलो और येलोइश ग्रीन दोनों आ गया, ठीक है। सिल्वर लिखूंगा तो ये भी आ गया, ग्रे ग्रे भी है इसके अंदर, सारे कलर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन ज़ाहिर इन कलर्स की कहीं पे लिस्ट बनी भी होनी चाहिए। तो आ जाते हैं हम और हम लिख लेते हैं कि जी सी एस एस कलर नेम्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डब्ल्यू थ्री स्कूल का एक डॉक्यूमेंट आ गया जिन्होंने इन तमाम कलर्स की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। ये करीब करीब 147 कलर्स हैं। अभी ये नेक्स्ट पेज पे ये मज़ीद आ गया है। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाते जाएं, अच्छा, और एक दूसरे उसने भी बनाया हुआ है, मोज़ेला वालों ने भी बनाया हुआ है, ये आ गया, मोज़ेला वालों ने इस तरह से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये एक पर्पल कुछ इस तरह का है जो कि वॉयलेट एक्चुअली, लेकिन पर्पल दिख रहा है, पर्पल जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक डार्क डार्क चिड, पता नहीं क्या कलर है, ये भी मुझे पर्पल ही दिख रहा है एक्चुअली। और इसी तरह ये एक कलर है, ये एक कलर है। अब ये बहुत सारे अवेलेबल कलर्स हैं, इसमें से कोई भी कलर मुझे अगर चाहिए हो तो उसको मैं कलर नेम के थ्रू जो है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। कलर नेम के थ्रू इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये कलर नेम का भी इस्तेमाल काफ़ी कॉमन रहता है, और एक नॉर्मल डेवलपर के लिए जो कलर नेम है ना, वो वैसे तो हैंडी रहता है, वैसे तो हैंडी रहता है वो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये है कि अब आप देखें, जो रेड कलर मैंने लगाया था ना यहाँ पे, अगर मैं इसको लगा कर देखूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, जो अभी मैंने वेबसाइट खोली हुई है। अब ये मैंने जो रेड कलर लगाया ना, ये कोई बहुत ही ज़्यादा सुर्ख ज़ख्मी रेड आया है। अब मुझे ऐसा रेड नहीं चाहिए, सही है। या मैं यहाँ पे आके अगर ग्रीन कलर लगाता हूँ, ऊपर अप्लाई करता हूँ, अब ग्रीन कलर जब मैं अप्लाई करता हूँ इस पर आके, जैसे मैंने कहा ना कि यार H1 जो है वो क्या हो जाए, वो कलर ग्रीन हो जाए इसका, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बिल्कुल ही पाकिस्तान का झंडा बन गया है ना। ऐसा ग्रीन मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए थोड़ा डिफरेंट ग्रीन मेरी नीड के मुताबिक। अच्छा, तो अब वो कैसे होगा, वो कलर नेम से मोस्ट प्रॉब्ली शायद नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे ऐसा ग्रीन चाहिए, येलोइश ग्रीन, ठीक है, मुझे ऐसा ग्रीन। अब ये बहुत ही लाइट हो गया, अब इन दोनों के दरमियान का कोई कलर मुझे चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है कि कलर नेम से भी हमारी जो ज़रूरियात है ना, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि कलर नेम बहुत ही लिमिटेड है, 147 है जस्ट, यानी 16 मिलियन में से 147 का जो नाम है, बाकियों का नाम नहीं है कोई, बाकियों को कोई नाम नहीं दिया। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलर्स हैं, लेकिन आम तौर पर अब मुझे ऐसे कलर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनमें मौजूद नहीं है, तो ले दे के फिर वही बच जाता है हमारे पास कलर पिकर। यानी देखो, दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो सिचुएशन ये होगी कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और आपके पास कोई सीनियर वगैरह कोई मौजूद नहीं है, आपने हर चीज़ खुद करनी है, तो उस केस में तो कलर पिकर से ही आप क्या करेंगे, कलर पिकर से आप कलर पिक करते जाएंगे और आप लगाते जाएंगे। लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है, आइडियली क्या होता है कि आपके पास एक अदर डिज़ाइनर होता है, ठीक है। अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी टीम का हिस्सा है आप, तो आपके पास क्या होता है कि UI UX डिज़ाइनर होता है, वो आपको ना पूरा डिज़ाइन बना के देता है और उस डिज़ाइन के अंदर वो कलर भी पहले से लगा देता है, ठीक है। डिज़ाइन आपको मैं शायद पहले दिखा चुका हूँ, एक दफ़ा दिखा चुका हूँ या नहीं दिखा चुका,
ठीक है, ये फिग्मा का मैंने एक डिज़ाइन ओपन कर लिया है यहाँ पे, कि वो डिज़ाइन होता किस तरह का जो डिज़ाइनर आपको बना के देता है, तो वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह का जो है ना वो डिज़ाइन होता है, जो डिज़ाइनर आपको क्या करता है बना के देता है। सही है। अब ये जो देखो डिज़ाइन है ना, इसमें ये कलर्स वगैरह सारी चीज़ें पहले से लगी हुई हैं। ये ब्राउन का जो कौन सा शेड है ये यहाँ पहले से लगा हुआ है, फॉन्ट तो भी मेंशन है। हाँ फॉन्ट भी इसके अंदर मेंशन है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो जो पॉसिबल है ना सब इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो एक पीछे कलर है ये लाइट लाइट ब्राउन कलर है या लाइट एज्यूर ये वो वाला कुछ है चक्कर, तो यहाँ पे ये पहले से सब लगा हुआ है। तो एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर तो क्या होता है कि आपको इस तरह का एक डिज़ाइन बना के मिलता है। ठीक है, ये स्क्रॉलेबल पूरी वेबसाइट है, ये पूरा आपको नीचे तक इन्होंने ना बना के पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये दो स्क्रॉलेबल पार्ट्स हैं इसके, तो ये दोनों आपको इन्होंने बना के दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, कलर जब ये फिग्मा में खुलता है ना, अभी तो इसको मैंने फिग्मा में नहीं खोला हुआ, ये तो डायरेक्ट आर्टिकल पे ओपन हुआ हुआ है, लेकिन जब ये फिग्मा पे ओपन होता है ना, तो इसका मतलब कलर वगैरह सारी किसी भी चीज़ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसका कलर साइड पे दिख रहा होता है, जस्ट लाइक फोटोशॉप ना, फोटोशॉप पे किसी एलिमेंट पे क्लिक करो तो उसका कलर दिख रहा होता है साइड पे, तो जस्ट लाइक दैट। तो वहाँ से मैं कलर उठा लेता हूँ जो डिज़ाइनर का सजेस्ट करदा कलर होता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मिसाल के तौर पर ये कोई वेबसाइट है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है और मैं उसको ज़रा थोड़ा उससे इंस्पिरेशन लेना चाह रहा हूँ, तो उससे इंस्पिरेशन लेने के लिए मैं फिर क्या करता हूँ कि कलर पिकर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो हमने क्या देखा कि हमारे लिए कलर का नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा अब, मतलब एज अ डिवेलपर हमारे लिए कलर का नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर डिज़ाइनर कोई है उसने कलर के इस डॉक्यूमेंट में कलर के नामों से उसको लिखा हुआ है तो वो नाम यूज़ कर लेंगे हम, दैट्स इट। लेकिन कलर के नाम से हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है एज अ डिवेलपर, ना ही हमें RGB की वैल्यू से कोई फ़ायदा है। ठीक है, तो RGB की वैल्यू हो या कलर नेम हो या हेक्स कोड हो, एज अ डिवेलपर हमारे लिए एक ही बात है। तो क्योंकि हमें एट द एंड या तो कलर पिकर को इस्तेमाल करना पड़ रहा है या तो डिज़ाइनर के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे रशियन डेवलपर्स हैं तो नहीं, ये बहुत। कलर का नाम तो चलो खैर एक ही है, कलर का नाम क्योंकि वेबसाइट तो देखो इंग्लिश में ही बनेगी ना, यानी जैसे CSS का जो कोड लिखा जा रहा है तो वो इंग्लिश में ही है। ठीक है, रशियन में CSS का कोड अलग नहीं होगा, वही होगा। नहीं कलर्स का नहीं, वो भी यही लिखेगा, डार्क यहाँ नहीं लिखेगा वो भी। ये तो डोमिनेंस है ना यार अंग्रेज़ों की, है अंग्रेज़ों की डोमिनेंस है कि उन्होंने HTML CSS अपनी ज़ुबान में बना दिए, तो अब वो रशियन यूज़ करे चाइनीज़ यूज़ करे, यूज़ उसी को करेगा, उनके उन्होंने कोई अपनी नहीं बनाई अलग से, तो ये अंग्रेज़ों की डोमिनेंस तो खैर है ना ये वाली, तो इन्होंने ऐसे तो नहीं बनाया इसको बिजनेस लैंग्वेज। तो बुक्स इनकी जो यानी जो इल्म है अंग्रेज़ों का सारा, वो उन्होंने अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ है, और जो रिसर्च होती है, रिसर्च पेपर होता है, जो पेटेंट फाइल होता है, वो अपनी ज़ुबान में उनका सारा। तो ये वो डोमिनेंस है उनकी जिसको ख़त्म करने में शायद मतलब 100 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे हमें, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है भाई इसके ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज आज हमें पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी हिस्से में चले जाएं इस वक्त, तो बंदे को कुछ भी नहीं आता होगा ना, लेकिन उसको इंग्लिश आती होगी किसी ना किसी दर्जे की, उसको यस नो वो पता चलता होगा उसको। ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको कि उसको यस नो ना आता हो। ठीक है, अच्छा जैसे पश्तो में यस नो होता है ना, तो अगर आप किसी चाइना में चले जाएं तो उसको पश्तो का यस नो उसको नहीं पता होगा, लेकिन इंग्लिश का यस नो उसको पता होगा। तो इस पे अंग्रेज़ों ने बड़ी मेहनत की है, और भाई मैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया को जो है ना मेहनत के साथ मशरूत किया है, तो जो जिस चीज़ पे मेहनत करता है बंदा उसका रिजल्ट तो निकल के आता है। तो हमारे वालों ने भी ट्राई किया है उर्दू लैंग्वेज को मतलब वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो उसका नतीजा ये है फायदा कि नहीं हाँ उसे। नहीं, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो इल्म उसमें नहीं है ना, उस ज़ुबान में नहीं है, इल्म सारा इंग्लिश में है, तो बस मतलब शायरी की हद तक तो उर्दू बहुत अच्छी है लेकिन उससे आगे उसका कोई काम है नहीं। तो ये जैसे मिर्ज़ा गालिब की शायरी वायरी है, बड़ा फ़ैन है इसकी ये सारे, क्योंकि वो फ़ारसी वाले भी हैं, तो फ़ारसी वाले उस चक्कर में उर्दू सीखते हैं कि यार हम इनकी शायरी पढ़ लें, या चाइनीज़ हैं जो चाइनीज़ इसलिए उर्दू सीख रहे हैं कि उन्होंने कब्ज़ा करना है हमारे पे ऐसे ही होता है ना कब्ज़ा, तो कब्ज़ा ऐसे ही होता है भाई, पहले ज़ुबान सीखनी पड़ती है बंदे को। तो खैर अब वो तो अल्लाह ही जाने,
कि क्या करना है उसने। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा वैसे चाइना ने अभी भी कब्ज़ा किया हुआ है ऑलरेडी, बात नहीं करता उसकी कोई। तो चाइनीज़ को जो है वो ट्रेड करना है एक्चुअली, वो तो मजाक से कह रहे थे कब्ज़ा करना है, असल में तो उनको करना है ट्रेड, क्योंकि उन चाइना का प्रॉब्लम ये है कि वो लैंड लॉक कंट्री है ना, चाइना को कोई समंदर नहीं लगता। हाँ, बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन उसके किसी भी बॉर्डर पे समंदर नहीं है। हमारे पास तो समंदर है, एक बॉर्डर हमारा समंदर पे लगता है, ठीक है, इंडिया पे एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का जो समंदर से टच होता है, बिल्कुल साहिल हमें मिलता है उसको, ठीक है। इसी तरह दुबई वगैरह है, इनको भी समंदर टच होता है, लेकिन चाइना को समंदर टच नहीं होता कोई। तो अब उसको अगर कोई चीज़ समुंदरी रास्ते से मंगवानी होती है तो वो किसी ना किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट होता है। तो उसने, चाइना ने इस केस में हमें चुना है राइट नाउ। गवादर ले चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो गवादर उन्होंने यहाँ पे लिया है हमारा, और उन्होंने कहा कि यार हम इसको डेवलप करेंगे, और हमारी जब कश्ती आएगी कोई, हमारा ऑयल आएगा या कोई भी ऐसी चीज़ आएगी हमारी, तो वो यहाँ पे उतरेगी और यहाँ से बाई रोड फिर जाएगी चाइना। तो ये उनके लिए, क्योंकि वो हमें क्यों चुना है उन्होंने, कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, किसी ना किसी को चुनना ही था उन्होंने, मतलब किसी ना किसी से सीन ये करना था उन्होंने। हम नहीं होते तो कोई और होता, क्योंकि समुंदर तो लगता ही नहीं है उनको, तो इसलिए उनको बाई रोड का कोई ना कोई सीन बनाना था। तो अब जाहिर है जब वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ ट्रेड करेंगे, तो उनको उर्दू लैंग्वेज चाहिए होती है। तो और चाइनीज़ वैसे भी बड़े तेज़ होते हैं, चाइनीज़ सभी सीख लेते हैं, चाइनीज़ इंग्लिश भी सीखते हैं, रशियन भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं। तो वेल, हमारी अब जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की उर्दू जो ज़ुबान है वो इसलिए इतनी पॉपुलर नहीं है, या उस पर इस लेवल की डिपेंडेंसी नहीं है किसी की, कि जी वो वेबसाइट बनेगी तो उसी पे बनेगी, ऐसा तो नहीं है। या जो बहुत सारा जो इल्म है जो वो उर्दू लैंग्वेज में, कौन सा इल्म है, क्या साइंस का इल्म उर्दू लैंग्वेज में है? कोई इल्म नहीं है साइंस का। जो क्या कहते हैं, बू अली सीना के दौर में जो बुक्स लिखी गई थी, जो दी एनिमल, तो वो उर्दू में तो नहीं है, वो ईरान में थे ना, वो अस्फहान, अस्फहानी थे वो, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो फारसी में होगी या तो अरबी में होगी, वो बुक उर्दू में नहीं है बहरहाल। अच्छा, अरबी को तो चलो एक डोमिनेंस हासिल है कि कुरान अरबी के अंदर है, और अरबी के अंदर जो आप सल्लम की पूरी लाइफ और वो पूरा इस्लामिक लिटरेचर जितना भी है वो ज़्यादातर अरबिक में है, तो चलो अरबी को तो फिर भी एक डोमिनेंस है, लेकिन अरबी को भी ये वाली डोमिनेंस नहीं है। जो इंटरेस्टेड होगा रिलीजन में वही उसको स्टडी करेगा, मतलब मुसलमानों की नहीं, मैं गोरों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जो इस रिलीजन में इंटरेस्टेड होगा या जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगा वही उसको स्टडी करेगा। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है या एक मेडिकल साइंटिस्ट है तो वो उसको शायद अरबी की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अरबी कभी भी नहीं सीखेगा। तो ये लैंग्वेजेस की जो डिपेंडेंसी है ना, वो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी को ना इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, सही है। प्लस पॉइंट है सर। हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम इंग्लिश सीख लें, अब उन्होंने तो कोई मेहनत की है तो हम पे रिजल्ट आ रहा है कि हमें सीखनी पड़ रही है, हमारी मजबूरी है इंग्लिश सीखना, ठीक है। लेकिन कुछ शायद दोस्तों के जहन में ये बात आती होगी कभी कि यार इंग्लिश तो भाई दुश्मनों की ज़ुबान है अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, तो वो अंग्रेज़ों की मुशाबहत तो नहीं हो रही कहीं कि हम उनकी तरह अंग्रेज़ी बोल रहे हैं? तो भाई कोई मुशाबहत नहीं हो रही, ये जस्ट टूल है दुनिया में इस्तेमाल होने वाला। अच्छा, आप ये जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं ना, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे वो अल बैरूनी है, तो वो भाई 200 ज़ुबान आती थी उसको। अब इसी तरह जो इब्न अल हैशम है, वो आप देखेंगे उसको भी पता नहीं 150-200 ज़ुबानों पे अबूर हासिल था। तो जितने भी लेजेंड्स आपको मिलेंगे ना मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर, और वैसे भी जो मतलब बड़े नाम है तारीख में मुसलमानों के अंदर, तो उनको बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं। और इसी तरह जो जैसे नेपोलियन है, आप उसको आप देखें उसको कितनी ज़ुबानें आती थी। तो जो असल में क्या होता था, अब उनको 200 ज़ुबानें कैसे आ गईं, अब ये भी एक सवाल है। हमें तो दो नहीं आ रही है हमें तो दो नहीं आ रही है ना, हमारे पास दो तीन ही तो ज़ुबानें, उर्दू, पश्तो, इंग्लिश, ये दो तीन ज़ुबानों में ही हम घूम रहे हैं, हमें यही दो तीन सही से नहीं आ रही हैं। तो उनको 200 कैसे आ गई? वो असल में चक्कर ये होता था कि अभी तो हम ट्रैवल करते हैं ना कि जी कराची से जहाज पर बैठे चुप करके पेशावर उतर गए आगे, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो ये होता था जी अच्छा कराची से चलेंगे तो पहले वो अंदरूनी सिंध के गांव वगैरह में कहीं ना कहीं जहाँ पे भी रात हो गई वहीं पे पड़ाव डालना है, ऐसा ही है ना। तो वहाँ पे जब पड़ाव डालेंगे तो वहीं के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, खाना पीना जो भी अरेंजमेंट करनी है, कोई ज़रूरियात जो है वो उनसे, समटाइम लड़ाई भी होगी तो उन्हीं से होगी, तो उन्हीं की ज़ुबान में होगी। तो वो क्या होता था कि जो ट्रैवल करने वाले लोग थे ना, तो वो क्या करते थे, वो जैसे आप वो कराची से पेशावर अगर आ रहे हैं तो वो एक महीने में आएंगे आराम आराम से वो पड़ाव डालते हुए, और वापस भी इसी तरह जाएंगे,
एक महीने में, तो वो जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ उनकी दोस्तियाँ हो जाती थी, वहाँ वहाँ हेलो हाय करते थे, तो वो ज़ुबान ख़ुद ही सीख जाते थे। तो इस तरह से उनको 200 ज़ुबानें इसलिए आती थी। तो अभी मिर्ज़ा गालिब भी जब इन्होंने ट्रैवल किया था, एक एक दफ़ा ही शायद उन निकले हैं दूर का सफ़र, वो बांग्लादेश गए थे। तो अब उनके जितने भी मतलब लिटरेचर्स है ना, उसके अंदर बांग्लादेश का बड़ा तारीफ़ मिलती है, बांग्लादेश की मिठाई के बड़े फ़ैन थे वो, ठीक है, बंदियाँ बंदियाँ भी उनको पसंद आ गई थी कोई बांग्लादेश में, तो वो मतलब बड़ी तारीफ़ें करते हैं बांग्लादेश की वो तो। और कुछ उन्होंने शायद कुछ शायरी वायरी भी की है बंगाली ज़ुबान में, क्योंकि वहाँ वो तकरीबन 1 महीना या 2 महीना स्टे किया उन्होंने, तो बस कुछ ना कुछ सीख ही जाता है बंदा। क्योंकि अब हमारा वाला तो सीन नहीं था ना कि जी खाना मंगवाना है तो फूड पांडा में मारा और ऑर्डर घर आ गया, खाने लेने के लिए बाहर निकलना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ना, अब हमारी हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं ना मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की वजह से, हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अब हमें अगर इवन अगर गाड़ी भी चाहिए, टैक्सी वैक्सी चाहिए, तो हम यहीं से बटन दबाते हैं आ जाती है, हमें बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। तो वो लोगों से उस तरह से कम्युनिकेशन अब होता नहीं है हमारा जैसे उस ज़माने में होता था। तो वेल, तो उन्होंने भाई सीख ली थी ज़ुबान, तो मतलब उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हम भी सीख लेंगे तो हमें भी कुछ नहीं होगा। और आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस जो ज़ुबान है ना वो आती है बोलने और सुनने से, सही है, पढ़ने लिखने से नहीं आती ज़ुबान, ज़ुबान आती है बोलने और सुनने से। जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब मिसाल के तौर पे अगर वो सिंधी घर में पैदा हुआ, तो अब वो छोटा बच्चा ना सिंधी बोलता है फर फर। अब हम कहते हैं यार हमें तो इन्होंने स्कूल में पढ़ा पढ़ा थक गए, हमें बस यो पोलड़ो आए से आगे ही नहीं बढ़े हम। ये इतना सा बच्चा ये फर फर बोल रहा है भाई, वो इसलिए बोल रहा है कि वो बचपन से सुनता रहा है, लोगों को बोलता हुआ सुना है उसने, तो सुन के सीखता है बंदा और वो सुन के फिर बोलने भी लग जाता है। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पे आपको कोई अरबी ज़ुबान सीखनी है जैसे, तो अरबी ज़ुबान अगर आपने सीखनी है, तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालें कि जहाँ पे आप अरबी कन्वर्जेशन सुन रहे हो लोगों की, अपने आप को आप अरब के बीच में ले जाएं कहीं, कि जहाँ पे लोग अरबी में बात करते हैं आपस में, तो आपको ऑटोमेटिकली अरबी आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अभी पेशावर में हूँ, तो पेशावर में ट्रेंड ये है कि आपस में लोग पश्तों में ज़्यादातर बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तकरीबन 2 महीने से, तो हम कहीं बाहर बाहर जाते हैं, चाय शाय पे बैठते हैं, तो वहाँ पे लोग पश्तों में बात करते हैं, तो अब ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड्स, अब नए नए वर्ड सीखता हूँ मैं रोज़, हर हर दफ़ा जब भी जाता हूँ बाहर में कोई नए वर्ड सीखता हूँ, ठीक है। ओखरा कल मैंने सीखा है, ओखरा अलग ओखरा कि भाई ये खाओ लड़के, वो हमारा एक सही सीखा है ना, वो एक सर अकलीम है उनके साथ बैठा हुआ था, तो उनका कज़न यही रहता है हॉस्टल में, उसको उन्होंने बुलाया हुआ था यहाँ पर, तो वो ज़रा शर्मा रहा था वो, तो मैंने कहा यार अलग ओखरा। वो मैंने किससे सुना था, वो मैंने पड़ोस में बंदा बैठा हुआ था उससे सुना था, सुना हाथ के हाथ प्रैक्टिकल किया, तो वो हंस रहा है मुस्कुरा रहा है बेचारा। पता लग जाता है ना एक्सेंट से कि बंदे को आता नहीं है, लेकिन बंदा ट्राई कर रहा है, वो मुस्कुरा रहा था। तो ये थोड़े थोड़े वर्ड सीखते सीखते वो पूरी आ जाती है बंदे को। तो आपने कोई भी ज़ुबान सीखनी है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि वो ज़ुबान आपके आसपास बोली जा रही हो, सुनी जा रही हो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ज़ुबान आना शुरू हो जाएगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, कोई भी हो। अच्छा, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंग्लिश कॉन्टेंट को आप सर्व करें, क्योंकि यूट्यूब सारा पूरा इंग्लिश में है, यूट्यूब पर जितने अच्छे क्रिएटर हैं सारे इंग्लिश में हैं, तो आप वो देखें, मूवीज़ इंग्लिश वाली देख लिया करें, क्योंकि बातें तो इन्होंने भी, इंडिया वालों ने भी वही करनी है, प्यार मोहब्बत। इंडिया की मूवी जो है ना, जितनी भी बनाते हैं ये, उसमें एक कॉमन फैक्टर है कि लड़के को किसी से प्यार हो जाता है। अब ये रियल लाइफ में किधर है ये चीज़, मैं तो ढूंढ ढूंढ थक गया, मेरे को नहीं मिली। प्यार हो जाता है, तो बस एक अजीब सा ही, पता नहीं उन्होंने कोई निकाला हुआ है, और वो बिल्कुल ही मतलब फिक्शन है, और वो हर मूवी में वही होता है कि यार वो प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है, अजीब सी बात है। तो मतलब वो करना इन्होंने भी वही है, आखिर में प्यार होता है, बस शादी होती है, बस इससे आगे इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ना। कम से कम इंग्लिश मूवीज़ में कुछ कुछ तो ढंग का होता है, इससे वो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में अपने, वरना पहले वो भी यही करते थे, उनका भी सारा यही था, लेकिन अब वो ज़रा आगे बढ़ गए, अब उनकी जो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं या जो उनकी वो हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ हैं, तो उसमें वो ज़रा आगे बढ़ गए, स्टोरी होती है उसमें भी, स्टोरी टेलिंग ही होती है एक्चुअली, लेकिन कुछ ज़रा बेहतर अंदाज में होता है। अभी मैं रिसेंटली कौन सा देख रहा था, वो डोंट लुक अप, बड़ी अच्छी मूवी है वो, आप देखें, तो वो एक साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर वो मूवी है, साइंटिफिक फैक्ट्स उसके अंदर बहुत सारे डिस्कस हुए हैं। और इसी तरह वो इंटरस्टेलर एक है, वो आप देखें, बड़ी अच्छी मूवी है, वो साइंटिफिक उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, लेकिन स्टोरी अपनी जगह होती है, स्टोरी भी चल रही है अपनी जगह साथ साथ। तो
लेकिन उनकी भी कुछ मूवीज ऐसी हैं जो यही है, जैसे अभी अवतार एक उन्होंने बनाई है, तो उसमें भी क्या होता है कि भाई लड़के को प्यार हो गया यार। अच्छा भाई, तो हमने क्या देख लिया, आरजीबी की वैल्यूज को डिस्कस कर लिया कि आरजीबी की वैल्यू के थ्रू जब हम सीएसएस में कलर बताते हैं तो हम क्या करते हैं, आर जी और बी तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बताते हैं कलर नेम, तो 147 जो कलर नेम प्री डिफाइंड है उनमें से कोई एक हम लिख देते हैं। अच्छा, बिल्कुल मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे बता देता हूँ मैं। जैसे आज वो एक कहते हैं ना, महावरतन कहते हैं, महावरा कहते हैं कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तो अभी ये हर मर्ज की दवा जो है ना, अभी ये चैट जीपीटी है आजकल। तो आ जाओ ज़रा, गिव मी नेम्स में, कलर नेम्स में या हेक्स वैल्यू में। हाँ, गिव मी सी एस एस कलर नेम्स दैट आर सिमिलर टू ग्रीन। ग्रीन ये आ गया, लाइम, ऑलिव, फॉरेस्ट ग्रीन, सी ग्रीन, टेल, ये सारे कलर्स आ गए। अब इसको सारे को आप अलग अलग लगा के देख सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, हनी ड्यू भी एक कलर है, हनी ड्यू ये कलर है भाई। सही है, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, बता दिया। तो ये सारे सिमिलर कलर्स आ गए ग्रीन के। ये मैंने एक्चुअली हनी ड्यू कलर ही लगाया है, इस पे हनी ड्यू लगाते हैं ज़रा। येलोइश ग्रीन है, अच्छा नहीं, येलोइश ग्रीन है, हनी ड्यू। हनी ड्यू जो वो ग्रीन है, लेकिन बहुत लाइट ग्रीन है, इतना लाइट है कि बच हमारा गायब ही कर दिया इसने बंदा। अच्छा भाई, तो आरजीबी वैल्यूज, कलर नेम्स डिस्कस्ड कम्प्लीटली, 100% कम्प्लीटेड। लास्ट में एक चीज़ आती है जी, हेक्स कोड। ये हेक्स कोड को कंप्लीट करके होपफुली आज हम अपनी क्लास को हेक्स कोड तक रखेंगे और उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो ये हेक्स कोड क्या बोला है, व्हाट इज दिस हेक्स कोड, ये क्या लिखा हुआ है हेक्स कोड में। सिक्स डिजिट्स लिखे हुए हैं, राइट, व्हाट डज इट मीन, सिक्स डिजिट का क्या मतलब है। ये जो ग्राफ चार्ट होता है ना कलर्स का, उसकी एक्स वाई और जेड डायमेंशन तुम एक्स वाई जेड डायमेंशन। कलर का चार्ट कौन सा होता है यार। अच्छा, कलर पिकर पे जो खुल रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है सर, ये 255 की जो वैल्यू है एफएफ वो देती है, एफएफ 255 देती है। एफएफ तो है ही नहीं इसमें सर, होती है ना ई के बाद एफएफ लगाते हैं, E के बाद FF लगा दो। बिल्कुल सही बात कर दी है इन्होंने। समझ आया किसी को कि इन्होंने क्या बात की है। अच्छा, ये जो कलर है ना, ये पिंक कलर है, और अगर मुझे इसमें देना हो रेड तो मैं कैसे दूंगा, क्योंकि ये तो बात समझ आ गई अगर जिसको, तो वो बता देगा कि कैसे रेड दिया जा सकता है इसके अंदर। जो फर्स्ट रेड कैसे दूंगा बताओ, आर पहले दो, इसमें एफएफ दे दे, एफएफ दे दे और बाकी को जीरो कर दे। सही है, रेड हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर इसमें ग्रीन करना हो तो ग्रीन वाले दरमियान वाले पे जीरो जीरो, बीच वाले को मैं कर दूंगा एफएफ और इसको कर दूंगा मैं जीरो जीरो, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह राइड करना हो तो लास्ट वाले को एफएफ कर दूंगा और इसको जीरो जीरो कर दूंगा, हाँ ब्लू हो गया ये। सही है, तो आरजीबी तीनों अलग अलग कलर। तो हमने क्या देखा कि हेक्स कलर जो है, हेक्स कलर इज नथिंग बट थ्री डिफरेंट कलर्स इन हेक्साडेसिमल लैंग्वेज। सही है। अच्छा, ये तीनों अलग अलग कर लेते हैं इसको हम, ये तीन असल में तीन अलग अलग वैल्यूज हैं ये, जो छः डिजिट बनते हैं, ये दो डिजिट, ये दो डिजिट और ये दो डिजिट। अच्छा, हाँ, अब ये सवाल है कि ये इसमें, अब इसमें मिसाल के तौर पे देखो, मैं वन दे सकता हूँ, मैं टू दे सकता हूँ,
मैं 22 दे सकता हूँ, 32 दे सकता हूँ, ठीक है, 99 दे सकता हूँ मैं इसमें। अब ये तो 0 से 99 तक हुए, है ना। ऑन अदर हैंड जो हमारे पास RGB की वैल्यूज़ में 0 से 255 तक होते थे कलर, अब इसमें 255 कैसे दूँ मैं, 255 तो दे ही नहीं सकता इसमें मैं। अच्छा, इसमें भी क्या कर सकता हूँ मैं, 99 तक जा सकता हूँ और इसमें भी 99 तक जा सकता हूँ। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 9 के बाद ना ABCD शुरू हो जाती है। हेक्साडेसिमल गिनती आती है सब लोगों को यहाँ? हेक्साडेसिमल गिनती में 9 के बाद क्या आता है, फिर हाँ A से लेके वो F तक जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ना बाय डिफॉल्ट इन्होंने हेक्साडेसिमल में रखा है, ये जो हेक्स कोड, इसका नाम ही इसी वजह से हेक्स कोड है, हेक्स स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल कोड है, ये वही तीन वैल्यूज़ हैं जो RGB में लिखते हैं, ये वही तीन वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये हेक्साडेसिमल लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। तो ये 6 डिजिट की होती है, अगर ये हेक्साडेसिमल में नहीं होती तो फिर कितने डिजिट की होती, 3, 3, 6 और 3 9 डिजिट की होती है ना, 255 255। तो ये ना अगर नॉर्मल होती है ना, डेसिमल में होती है, अगर ये जो हम जो गिनती आम जुबानों में इस्तेमाल करते हैं डेसिमल, जिसमें रुपये की लेन देन करते हैं, तो और उसमें होता तो ये 3-3 डिजिट होता, फिर RGB 3 डिजिट का होता, तो ये 9 वैल्यूज़ बनती। हेक्साडेसिमल में होने की वजह से ये 6 वैल्यूज़ बनती हैं। अच्छा, तो हेक्साडेसिमल की गिनती ज़रा हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा यहाँ पर थोड़ी सी लिख के देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल की गिनती लिखने में कैसी है। हेक्साडेसिमल में चलते हैं जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही है। 9 के बाद A B C D ठीक है, ये F तक है, 0 से लेके F तक है, ये सही है। अच्छा, हमारा जो डेसिमल जो है, डेसिमल जो गिनती है हमारी, इसको डेसिमल क्यों कहते हैं, डेसी मीन्स 10, कि हमारी गिनती में 10 यूनिक सिंबल होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। अच्छा, 0 से लेके 9 के अलावा कोई चीज़ नहीं होती हमारी गिनती में, फिर उसी से 19 भी बनता है, उसी से 90 भी बनता है, 95 भी बनता है, 85 भी उसी से बनता है, सही है। तो जो भी आप लगा लें, 132 भी उसी से बनता है, 0 से लेके 9 तक के जो यूनिक सिंबल्स हैं हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास 10 यूनिक सिंबल्स हैं 0 से लेके 9 तक। अच्छा, तो इसमें जो है ऑन अदर एंड क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मजीद यूनिक सिंबल्स हैं इसमें, तो 10 और 6, 16 यूनिक सिंबल्स हैं इसमें, ठीक है। 0 से 9 तक तो डेसिमल वाला है, लेकिन उसके बाद ABCDEF तक जो ये जाता है, तो टोटल इसके अंदर कितने यूनिक सिंबल हो गए, 16 यूनिक सिंबल हो गए। अच्छा, अगर मैं इसी के पैरेलल में अगर मैं लिख दूँ नॉर्मल गिनती अगर, ठीक है, तो वो मैं किस तरह से लिखूँगा, देख लेते हैं किस तरह से लिखूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने साथ साथ इसकी क्या लिख दी, नॉर्मल गिनती, लेकिन नॉर्मल गिनती में क्या होता है, सिंबल रिपीट हो जाता है, सही है। सिंबल क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं नॉर्मल गिनती में। जैसे देखो, 0 से मैं शुरू हुआ था, 9 तक आके मेरे डेसिमल की जो गिनती थी उसके यूनिक सिंबल ख़त्म हो गए, तो यूनिक सिंबल ख़त्म होते ही मैं क्या कर दूंगा, दोबारा 0 से 0, 1, 2, 3, 4 दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार इस 0, 1, 2, 3 के साथ क्या आ रहा है, एक और डिजिट आ रहा है, यानी कि मेरा जो अगला डिजिट है, मेरे यूनिक सिंबल्स में जो भी अगला डिजिट है वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद मैं जाऊँगा, मिसाल के तौर पे 16, 17 पे जाऊंगा मैं, ठीक है। ओ अच्छा, तो 15 के बाद मैंने कहा 16, 17, 18, 19 और 20। अब यहाँ पे आके देखो, 0 से लेके 9 तक जो मैंने चलाया ना इसको,
यहाँ 9 पे आके मेरा दोबारा मेरा क्या हो गया, यूनिक सिंबल ख़त्म हो गया। तो मैंने अब दोबारा जीरो से शुरू किया, लेकिन अब की बार मैं अब 2 लगाऊंगा इसमें। तो मेरा जो भी अवेलेबल सीक्वेंस था ना, उसमें जो यूनिक सिंबल था, उसको मैं क्या करता जा रहा हूँ, रिपीट करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब यही काम मुझे क्या करना है, अच्छा हेक्साडेसिमल में एफ मीन्स 15, ये तो क्लियर है, ठीक है। बी मीन्स 11। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंबल रिपीट होंगे ना यहाँ पे, कैसे रिपीट होंगे, क्या आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली, जल्दी से बताओ। मेरे पास यहाँ पे शुरू में तो दोनों सेम है, यानी पहला यूनिक सिंबल था 0, दूसरा था 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 0 रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 और 0 ही रिपीट होगा यहाँ पे भी, सही है। 1 और 0 यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 1 होगा ऑब्वियसली, सही है। उसके बाद क्या होगा, 1 2 होगा ऑब्वियसली। तो हेक्साडेसिमल में 1 2 का मतलब क्या है, 18 18। अच्छा, इसी तरीके से 1 3, सही है। इसी तरीके से 1 4। अब 1 4 का मतलब है 20। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम चलते जाएंगे, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम चलते जाएंगे, सही है। 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और 1 9 के बाद ये हेक्साडेसिमल चल रहा है मेरा। 1 9 के बाद 1 A, क्योंकि अभी मेरे यूनिक सिंबल ख़त्म नहीं हुए, अभी 1 A पे चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा 1 B, उसके बाद 1 C, उसके बाद 1 D, उसके बाद 1 E, 1 F। अब यहाँ पे जाके मेरे यूनिक सिंबल क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब क्या करूँगा मैं, 2 0, यस, अब जाके 2 0 आया इसमें। अच्छा, तो 2 0 का मतलब पता नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है देखते हैं क्या मतलब हुआ है 2 0 का इसमें। इसमें साथ साथ मैं डेसिमल भी लिखता हूँ ना इसके, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें 2 0 का क्या मतलब हुआ है। ये गड़बड़ हो गई, ये मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। ये मैंने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, वेल तो मतलब पॉइंट तो समझ गया हो ना कि क्या मतलब है। अच्छा, अब ये मैंने हाथ से जो लिखा है ना इतना सारा, ये मैंने जस्ट पॉइंट समझाने के लिए लिखा है कि ये 19 तक था तो ये 13 हो गया था। तो 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 पे जाके ये 20 लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, तो इट मींस 32। तो हम क्या करेंगे कि 20 को ज़रा चेक भी कर लेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, सही है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि हेक्साडेसिमल में 20 जो था वो मेरा 32 बन रहा था, तो कन्वर्ट करके देखते हैं, 32 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने चार्ट भी बनाया हुआ है, ये देखो, ये हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल। तो यहाँ पे भी आप देखें 32 पे जाके ये बनता है, और ये इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया, लेकिन ये ABCDEF तक गया, और F के बाद 10 आया, तो 10 मीन 16,
तो ये हेक्साडेसिमल और डेसिमल आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया, सब लोगों को समझ आ गया ये कि हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में जस्ट इतना सा फ़र्क है कि हेक्साडेसिमल में 16 यूनिक सिंबल होते हैं और हमारे डेसिमल के अंदर 10 यूनिक सिंबल होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, वही गिनती लिखी हुई है, वही बात लिखी हुई है। अच्छा, तो एफ एफ का मतलब क्या हुआ? अगर हेक्साडेसिमल में एफ एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल में अगर मैं लिखता हूँ एफ एफ, तो इसका मतलब हो गया 255। ठीक है, तो जो मैं आर जी बी की वैल्यूज़ जब लिखता हूँ ना, तो मैं लिखता हूँ 0 से 225, 255, 255। तो जब मैं हेक्साडेसिमल में भी लिखता हूँ ना 6 डिजिट, तो उसमें से हर 2 डिजिट क्या होता है, 0 से लेके एफ एफ तक होता है। इट मीन्स के 0 से लेके 255 तक होता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैं आरजीबी में लिखता हूँ, वही मैं हेक्साडेसिमल में भी लिख सकता हूँ। अब मैं अपने कोड में आता हूँ वापस, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और मैं इंटरनेट से जाके कलर पिक करके लाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये कलर पिक करके लाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो कलर है, अभी मेरे पास ये हेक्साडेसिमल में कॉपी हुआ है। अब इसको मैं अगर RGB में लिखना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं H1 को भी यही कलर देना चाह रहा हूँ सेम, ठीक है, H1 को भी मैं यही कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैं, मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा कलर है ये। मैं क्या करूँगा, F0 का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये पता लगाऊँगा। F0 का मतलब यहाँ से पता लगा लेता हूँ मैं, F0 का मतलब है 240। तो RGB में मैंने कहा कि 240, पहला मिल गया मुझे 240, उसके बाद है डबल ई है उसके बाद, ठीक है, डबल ई देख लेते हैं कि क्या है, 238 है ये डबल ई जो है, 238 है ये डबल ई जो है, उसके बाद है डीसी, सही है, डीसी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये, 220 है डीसी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये यही वाला कलर बन गया जो ऊपर मैंने बनाया हुआ था। तो हमने क्या देखा कि जो आरजीबी की वैल्यू है और जो हेक्स कोड है, वो असल में एक ही बात को लिखने के 2 अलग अलग तरीके हैं, और हम एक से दूसरे में कन्वर्ट बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं अगर हमें हेक्साडेसिमल की नो हाउ हो तो। तो हमने इसको क्या कर लिया, फ़ौरन से कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से किसी आरजीबी की वैल्यू को भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, देखो अब ये सिलेक्शन मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैं हवर करता हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस को लेके गया हूँ इसके ऊपर, तो ये मेरे पास एक कलर पिकर आ जाता है, ये मेरे पास एक कलर पिकर आ जाता है। तो यहाँ पे जब मैं कलर को पिक करता हूँ, तो ये मुझे आरजीबी में कलर पिक करके दे रहा है। ठीक है, मैंने इसको पूरा येलो कर दिया और बाहर क्लिक किया तो ये येलो हो गया, ये आरजीबी में करके दे रहा है। कुछ कलर पिकर आपको हेक्साडेसिमल में देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा कलर पिकर है, ठीक है, मैंने कहा कि कार, अब यहाँ जो मेरा कलर पिकर है, कलर ज़िला वाला, ये मुझे किस में कलर पिक करके देता है, ये मुझे ऊपर दिखाता तो दोनों है, आरजीबी भी और हेक्स वैल्यू भी, लेकिन जब क्लिक करता हूँ तो कॉपी होता है हेक्स कोड, कॉपी होता है हेक्स कोड, तो मैं इसको आरजीबी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, कोशिश हमारी क्या होती है, कोशिश हमारी ये होती है, हमें पता लग गया है तो दोनों ही सेम, कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें। आया कि अगर हमने आरजीबी में कलर दिया तो सब जगह पे आरजीबी में दें, अगर हमने हेक्साडेसिमल में दिया तो हर जगह हम हेक्स कोड में ही दें फिर कलर। ठीक है, ताकि पूरी वेबसाइट में यूनिफॉर्मिटी रहे हमारे पास ना। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हमारे कलर के टॉपिक को आज। अच्छा, कलर के टॉपिक में और कोई चीज़ है यहाँ पे जिसको हम देख सकते हैं, अभी 15 मिनट है हमारे पास एक्चुअली ना। अच्छा, ये सारा कुछ कहने के बाद इसने कहा कि यार एक लास्ट बात जो यहाँ पे ये कह रहा है इस टॉपिक में, फिर आगे जो है ना वो दूसरी चीज़ शुरू हो रही है, दूसरा टॉपिक जो कि मैं अगले क्लास में करना चाहूँगा। इसने कहा कि यार बैकग्राउंड कलर आप दे रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। CSS में जहाँ पर भी कलर का ऑप्शन आएगा, चाहे वो बॉर्डर का कलर हो, चाहे वो शेडो का कलर हो, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो, चाहे वो फॉन्ट का कलर हो, ठीक है, किसी भी जगह पे कलर देने का जब ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे ये तीनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है,
तो तीनों तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, तीनों तरीके में एक्चुअल में पीछे एक ही काम हो रहा होता है। और हमारा जो जो ब्राउज़र के ऊपर जो RGB सेट करते हैं हम, तो RGB प्रोफाइल चल रहा होता है। अच्छा, तो ये 16 मिलियन कलर पूरे के पूरे इसके बनते हैं। तो जहाँ पे भी कलर देने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे ये तीनों हम ऑप्शन जो है ना पास कर सकते हैं। ये तीनों को इक्वली अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, जहाँ पे जैसे वाइट ब्लैक वगैरह ये सारे कलर हैं बिल्कुल ही कॉमन है, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, तो वहाँ पे शायद कलर नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे हमें अल्टीमेटली RGB वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कि 16 मिलियन कलर हैं, उसको भी ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो 16 मिलियन का क्या चक्कर है। देखो, अगर मेरे पास होते हैं ना दो कलर्स होते हैं और दो दो वैल्यूज होती दो कलर की, तो टोटल कितने कलर बनते हैं? चार कलर बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं वापस कोड में आता हूँ और ये वाली चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या सीन है इसका। देखो, मेरे पास ना दो कलर है, एक है रेड और एक है मिसाल के तौर पे ब्लू, और जीरो और वन टू तीन वैल्यूज़ हैं मिसाल के तौर पे। तो इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं कि यार या तो मैं दोनों को जीरो जीरो कर दूं, सही है, या तो वन जीरो कर दूं, बल्कि ऐसे नहीं है, जीरो वन पहले आता है सेट के अंदर, वैसे तो कोई भी पहले लिख दो, ठीक है, जीरो वन, उसके बाद जीरो टू, ठीक है। तो ये कितने पॉसिबल बन गए? तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। फिर इसी तरह ये वन के साथ तीन बनेंगे, फिर इसी तरह टू के साथ तीन बनेंगे, ठीक है, फिर इसी तरह वन के साथ और इसी तरह टू के साथ। तो ये मेरे पास जीरो वन टू था ना, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन गए मेरे पास? चार आठ बारह, बारह कॉम्बिनेशन बन गए, सही है, जीरो वन टू के साथ। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको पता कैसे लगाते हैं, इसको पता कैसे लगाते हैं, हम इस तरह लगा लेते हैं कि ये टू था ना और बाई टू था, ये ऐसे था जीरो वन टू, तो एक्चुअली ये थ्री थ्री है, ठीक है, तीन तीन वैल्यूज़ हैं दोनों। तो अब इस ये वाले वेरिएबल को देखते हुए मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कितने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? यानी टू मल्टीप्लाई बाई टू, एक्चुअली थ्री है ये, ठीक है, टू नहीं है ये, थ्री है, जीरो वन टू थ्री बनते हैं। तो ये थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री से हमें पता लग जाता है कि ये कितने वैल्यूज़ टोटल बनती हैं इसकी, सही है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 255 255। तो अगर सिर्फ R और G के ये दो वैल्यूज़ लेते हैं हम, 255 मल्टीप्लाई बाय 255, ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि ये कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तकरीबन ये 65,000 यहीं पे बन गया। अच्छा, अब हमारे पास है तीन वेरिएबल, तो मल्टीप्लाई बाय हम एक और कर देंगे इसको 255, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 16.5, ठीक है, 16.5 मिलियन समथिंग आ गई, जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं इन तीन वेरिएबल्स की, अगर 0 से 255 तक ये हो तो। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैंने एक कलर दे दिया है जो कि इन 16 मिलियन कलर्स में से कोई एक स्पेसिफिक कलर बनता है, तो क्या हर स्क्रीन 16 मिलियन कलर दिखाने के कैपेबल होती है? इसका जवाब है नहीं, हर स्क्रीन 16 मिलियन पूरे कलर नहीं दिखा सकती है, ठीक है। क्यों? हमारे पास आमतौर पे जो LCDs इस वक्त मौजूद हैं, जिसको हम LED कहते हैं या OLED जिसको कहते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छा डिस्प्ले समझा जाता है अभी इस वक्त। तो उसमें क्या होता है कि हर पिक्सल के अगेंस्ट एक पीछे RGB की ना तीन LEDs होती हैं, ठीक है, तो मतलब हर एक पिक्सल के पीछे तीन LED लाइट्स होती हैं, एक रेड, ब्लू और ग्रीन। अब रेड जो लाइट है ना, एक लाइट, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर इंटेंसिटी होनी चाहिए 255 इंटेंसिटी होनी चाहिए अलग अलग, है ना। जैसे हमारे पास वो बल्ब होता है ना कि जी तीन मॉड हैं, कि जी हाई, लो और मीडियम, तो वो तीन अलग अलग इंटेंसिटी पे जलता है, उसमें 255 होना चाहिए। जैसे आजकल फ़ैन है, वो रिमोट वाले फ़ैन, उसमें क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, तो चार उसके अंदर अलग अलग स्पीड होती है, 0 दबा दिया तो 0, 1, 2, 3, 4, चार स्पीड है अलग अलग। तो इसी तरीके से उसके अंदर जो रेड लाइट जलती है ना उसके पीछे, वो बिल्कुल ज़ीरो करूँ तो बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लोज हो जानी चाहिए वो लाइट, और जब उसको मैं बिल्कुल 255 करूँ तो वो पूरी इंटेंसिटी पे जल जानी चाहिए। तो हर LCD 255 पूरे कलर दिखाने की कैपेबल नहीं होती है। अच्छा, वो क्या करती है फिर?
मिसाल के तौर पे 255 नहीं होता, उसमें 100 अगर है मिसाल के तौर पे, इंटेंसिटी 100 अलग अलग इंटेंसिटी है, तो उसको जो भी वैल्यू मिलती है ना, तो वो नियरेस्ट करके उसको संभाल लेता है। यही वजह है कि अगर आप, अगर इवन मोबाइल फ़ोन्स की भी बात करें ना, तो दो अलग अलग मोबाइल फ़ोन हो गए ना, एक ही फ़ोटो, एक ही कैमरे से खींची गई फ़ोटो उन दो मोबाइल फ़ोन में देखेंगे, आपको कलर अलग अलग दिखते हैं थोड़े, ठीक है। दो स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपके पास सब लोगों के पास लैपटॉप है, तो एक ही वेबसाइट आप दो अलग अलग लैपटॉप में जब खोलते हैं ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि उनके कलर थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। दो अलग अलग डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा नहीं दिखेगा। इवन जो पीछे यहाँ पे एलसीडी लगी हुई है और प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है, तो प्रोजेक्टर पे जो आपको कलर दिख रहे होंगे वो ज़रा मुख्तलिफ होंगे, और पीछे एलसीडी पे ज़रा मुख्तलिफ होंगे। तो इसका रीज़न यही है कि हर एलसीडी के अंदर जो 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 पिक्सल्स होते हैं वो एक जैसी क्वालिटी के नहीं होते, किसी में शायद बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे सैमसंग के जो डिस्प्लेज हैं वो बहुत ही अच्छे कंसिडर किए जाते हैं इस वक्त, जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है। एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी अपना डिस्प्ले सैमसंग से बनवाते हैं, ठीक है, क्योंकि सैमसंग इस चीज़ में उन्होंने पेनियर किया हुआ है। अच्छा, ऑन अदर एंड जो दूसरे फ़ोन जैसे नोकिया शोकिया है वो, तो वो उनके इतने अच्छे नहीं होते डिस्प्ले, सही है, तो ज़रा डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर इसी तरह जो लैपटॉप्स हैं, जो जो मतलब 15-20 हज़ार की रेंज में जो लैपटॉप्स हैं, तो उनके जो एलसीडी की क्वालिटी है वो ज़रा सा और मुख्तलिफ होती है, सही है। मतलब मोबाइल फ़ोन अगर आप अपना रखेंगे अपने लैपटॉप के साथ, यूँ अपने लैपटॉप के साथ यूँ मोबाइल फ़ोन रखेंगे, तो मोबाइल फ़ोन पर बिल्कुल ही वाइब्रेंट अलग ही दिख रहा होता है कलर, और लैपटॉप पर वो बिल्कुल ही डिम दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट LCDs के ऊपर डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉलो करना है जो RGB प्रोफाइल का स्टैंडर्ड है। हम RGB प्रोफाइल के ऊपर एक कलर उठाएंगे और वो कलर उसको दे देंगे। अब डिवाइस की मर्जी है, वो उसको सही दिखाता है गलत दिखाता है जो भी करता है, हम अपने हिसाब से कलर सही देंगे, और हमें वो कलर कौन बताएगा, मोस्ट प्रॉब्ली डिज़ाइनर बताएगा, या हम कलर पिकर का इस्तेमाल करते हुए उठा लेंगे कहीं से, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में। और आपको मैं एक जाते जाते एक वो देके जा रहा हूँ टास्क, ठीक है, वो मैं गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगा, कि जो गूगल का होम पेज है ना, ये वाला, ये बनाना है आपने, सही है। गूगल के होम पेज पे जो ईच एंड एवरीथिंग, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे बनानी है। कोई भी चीज़ क्लिकेबल होना ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो क्लिक होता है ना तो ये नीचे खुल जाता है, तो किसी भी चीज़ का क्लिकेबल होना ज़रूरी, जैसे पाकिस्तान पे क्लिक करने से कुछ तो होता होगा, अबाउट पे क्लिक किया ये ले गया मुझे, तो क्लिकेबल होना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो क्लिकेबल भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे विजुअली मुझे नज़र आ रही है वो चीज़ वहीं पे आपने कोशिश करना है, उसको आप प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी तक जो आपने CSS पढ़ी है उसको इस्तेमाल करते हुए, ChatGPT से हेल्प लेते हुए, ठीक है, ChatGPT से लेकिन हेल्प लेते हुए आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कोड लिख दो। मिसाल के तौर पर आपने ये चकोर डब्बा बनाया, अब ये चकोर डब्बा आपको समझ नहीं आ रहा बनेगा कैसे, तो आप उससे पूछेंगे यार ये कैसे बनेगा, वो आपको बताएगा, आपने उसकी बात सुन के उसको बनाना है, कोड नहीं लिखवाना उससे, ठीक है। कोड लिखवाओगे तो मकसद फौत हो जाएगा आपका, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट।